Assalamu alaikum friends and welcome to Log aur Kahaniyan. Dosto, maut par haq hai, hum sabko ek na ek din marna hi hai. Lekin marne se pehle, aksar log apni wasiyatein karke is duniya se jaate hain. Aaj main aapko aise hi kuch logon ki ajeeb-o-ghareeb wasiyaton ke bare mein batane wala. Lekin friends, usse pehle agar aap is channel par new hain, to channel ko subscribe kijiye aur saath wale bell icon ko bhi press kar dijiye taaki mere new aane wale videos ki rasai aap tak aasani se ho sake. फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के शहर बोस्टन में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम सोलोमन था। इस आदमी को अपने मुल्क अमेरिका से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि इसने मरने से पहले एक अजीब वसीयत कर डाली जो आज तक लोगों के लिए हैरानकुन है। इसने कहा कि इसके मरने के बाद इसकी स्किन को उतारकर दो ड्रम्स यानी ढोल बनाए जाएं और हर साल 17 जून को अमेरिकन रेवोल्यूशन की याद में इसके दोस्त इन ड्रम्स के साथ गाने गाएं। इसकी मौत 1871 में हुई और फिर इसकी वसीयत पर अमल किया गया। इसकी स्किन से बने हुए ड्रम्स के साथ इसके दोस्त हर साल 17 जून को शहर में अमेरिका के लिए गाने गाते थे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं दुनिया के मशहूर तरीन राइटर विलियम शेक्सपियर की। मरने से पहले शेक्सपियर ने एक अजीब काम किया। इसकी बीवी का नाम एना हैथरे था। शेक्सपियर और इसकी शादी को 34 साल हो गए थे। शेक्सपियर ने 25 मार्च 1616 को अपनी वसीयत लिखी जिसमें इसने अपनी सारी दौलत और जेवरात अपनी बेटी सुजैना और दामाद जॉन हॉल के नाम कर दिए। लेकिन इसने अपनी बीवी के नाम क्या किया ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मरने से पहले शेक्सपियर सिर्फ एक बेड अपनी बीवी के नाम करके गया। इस वसीयत में शेक्सपियर ने इस बेड को अपना सेकंड बेस्ट बेड कहा। किसी को समझ नहीं आया इसने अपनी बीवी को सिर्फ एक बेड क्यों दिया और वो भी अपना सेकंड बेस्ट बेड। इसकी ये वसीयत इतनी अजीब थी जो आज भी लोग ठीक से समझ नहीं सके। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन वेलिंगटन बर्ड की। ये आदमी काफी अमीर था। इसकी मौत 1919 में हुई लेकिन फ्रेंड्स इसने मरने से पहले जो वसीयत की उसने सब सुनने वालों को हैरान कर दिया। फ्रेंड्स इस आदमी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि इसके मरने के बाद इसकी तमाम दौलत इसकी फैमिली में तब ही बांटी जाए जब इसके आखिरी पोते को भी मरे हुए 21 साल गुजर जाए। यानी इस आदमी की मौत 1919 में हुई। इसकी आखिरी पोती जो जिंदा थी उसकी मौत 1989 में हुई और उसके भी 21 साल के बाद इसकी फैमिली को इसकी दौलत तकसीम की गई यानी इसके परपोतों को इसकी दौलत मिली। फ्रेंड्स न जाने इसे अपनी फैमिली पर क्या गुस्सा था जो इसने ये अजीब वसीयत की ये कोई नहीं जानता। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मशहूर जर्मन शायर हेनरिच हाइन की। इसकी वसीयत भी बहुत अजीब थी। इसकी शादी को 15 साल हो गए थे लेकिन शादी के आखिरी 8 सालों में हेनरिच काफी बीमार रहा था। इसकी बीवी ने इन 8 सालों में इसका साथ नहीं छोड़ा। हेनरिच को डर था कि कहीं मरने के बाद इसकी बीवी अकेली न रह जाए। इसने अपनी वसीयत में अपनी सारी दौलत अपनी बीवी के नाम कर दी लेकिन एक शर्त पर कि इसके मरने के फौरन बाद इसकी बीवी दूसरी शादी कर लेगी। किसी ने इससे पूछा कि इसको अपनी बीवी से इतना प्यार है तो उसने मजाक में जवाब दिया कि इसके मरने के बाद कम से कम एक आदमी को इसकी मौत का सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए और वो आदमी वो होगा जो इसकी बीवी से दूसरी शादी करेगा। और फ्रेंड्स आखिर में बात करते हैं एक इंतहाई इमोशनल वाकये की। ये कहानी 11 साल लड़के ब्रेंडन फोस्टर की है। इसको ल्यूकीमा की बीमारी थी और ये बच्चा इस दुनिया से जाने वाला था। दिसंबर 2007 में इस बच्चे से इसकी आखिरी वसीयत और ख्वाहिश का पूछा गया। ना तो उस बच्चे ने किसी एक्टर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की ना ही इसने कहीं घूमने फिरने का कहा बल्कि इसने कहा कि ये मरने से पहले गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहता है। और फिर 2500 खाने के बॉक्सेस तैयार किए गए और फिर अमेरिकन स्टेट सेटल में ये खाने होमलेस लोगों में बांटे गए और हर बॉक्स पर लिखा था वी लव यू ब्रेंडन। ब्रेंडन इस दुनिया से तो चला गया लेकिन हमारे लिए एक सबक छोड़ गया। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।